शहर में लॉकडाउन होने से बेसहारा और जरूरतमंदों को हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया बहुद्देशीय सेवा संस्था नाल साहब चौक की ओर से खाने का वितरण किया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना बांटा जा रहा है। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया बहुद्देशीय संस्था नाल साहब चौक की जानिब से रोजाना बेसहारा और जरूरतमंदों को खाना बांटा जा रहा है। 23 तारीख से ये कार्यकर्ता खाना बनाकर बांट रहे हैं। रोटी, सब्जी, चावल आदि खाना रोजाना 250 लोगों के लिए सिर्फ शाम में बांटा जाता है। इतना नहीं तो जरूरतमंदों को अनाज का वितरण भी इनके द्वारा किया गया। निराधार, अस्पताल के पेशेंट के रिश्तेदार एवं लॉकडाउन में फंसे लोगों को खाना बांटा जा रहा है। दर्शकों, इस समय में हम नाल साहब चौक में, जहां पर हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया सेवा संस्थान की ओर से बेसहारा और जरूरतमंदों को खाना बांटा जा रहा है, इस समय में जिस परिसर में खड़े आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चावल, रोटी और वहाँ सब्जी बन रही है और ये तमाम लोग, ये कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। रोजाना 250 के आसपास लोग खाना खाते हैं, एक टाइम खाना जरूर दिया जाता है, अनाज का वितरण भी किया गया है। आइए सीधा रुक करते उन्हीं कर उनसे जानना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में इरफान, हमारे साथ में इरफान जी, ये बताइए कि क्या कहना चाहोगे इस पूरे काम को लेकर, कहाँ कहाँ खाना जाता है, कितने लोग खाना खाते रोजाना? ये हम लोग यहाँ से नागपुर में जितने भी एरिया है, हॉस्पिटल के रिलेटिव लोग है, दंतोली के अंदर में पेशेंट जो गरीब लोग है और रोड पर में रहने वाले बेसहारा लोग है, गरीब लोग है, ऐसे मिला करके 250 लोगों को हम लोग यहाँ से खाना बना करके ये जगह से भी लेकर के कुछ लोग लेके जाते हैं, 60-70 लोग, और बाकी हमारे लड़के लोग हैं जो पॉकेट वगैरह थैले में पैक करके पूरा सब तरफ ले जा करके बांटते हैं। आप बताइए कि अब तक कहाँ कहाँ ये खाना गया, कितने लोग रोजाना आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? कहना ये चाहेंगे कि मैं हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया बहुद्देश सेवा संस्था का अध्यक्ष मोहम्मद साजिद, मेरी कमेटी रजिस्ट्रेशन है। ये हम लोग 23 तारीख से रोज शाम को 200 से 250 आदमी का खाना बना रहे हैं। और ये खाना बोलो तो जैसा डागा हॉस्पिटल हो गया, मेवा हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद सैयद जलालुद्दीन मिठानीम हो गया, अपना रेलवे स्टेशन, सेंटरवनी रोड, पीली नदी, नाइक तालाब, ऐसा और जो चलते फिरते लोग यहाँ पे सब आते हैं, इन लोगों को खाना दे रहे हैं और इनको अनाज भी दिए, कच्चा अनाज जैसे तुअर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, उसके साथ में सरफ, साबुन, कपड़े धोने की साबुन, राशन किट, चावल, घी, ये सब दिए, तेल वगैरह सब दिए लोगों को। साजिद भाई, ये बता कि जो लोग बिला वजह बाहर निकलते हुए घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? इनके लिए ये कहना चाहेंगे कि ये अपने वजह से अब बीमारी अपने हाथ में ले रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि अपने घरों में रहो, जितने दिन आप अपने घर में रहेंगे उतने दिन बीमारी जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी। अगर तुम सामने आएंगे तो आज जैसा सतरंजीपुरी में भी निकले, कल अपना शांति नगर में निकले, ऐसा चर्चा चालू ही है और ये जब तक के लोग घूमते रहेंगे तब तक के ये बीमारी ख़त्म नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात साजिद भाई इन्होंने फरमाया है कि लोग अभी भी मान नहीं रहे, लोग जो है कोरोना वायरस को बड़े हल्के में ले रहे हैं। लेकिन एक बात तो आपको बता दें कि लॉकडाउन पूरे शहर में हुआ है, जिसके चलते लोगों ने घर में रहने की अपील बार बार सरकार की ओर से की जा रही है। इतना नहीं तो जो खाना बांट रहे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता साजिद भाई हो, इरफान भाई हो, इनके माध्यम से भी की जा रही है, जिसका पालन लोग करें, लोग अपने घरों में रहे, बेसहारा जरूरतमंदों को खाना बांटने का काम बदस्तूर ये लोग पिछले 23 तारीख से कर रहे हैं और आगे भी इनका ये कामकाज यूं ही जारी रहेगा। नाल साहब चौक से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।